अरे चलो चलो किड्स, हम एक गेम खेल रहे हैं साथ में। हाँ मेरे फोन में बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। व्हाट अबाउट यू? मेरे आईपैड में भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े गेम्स हैं। अरे पूरा दिन क्या स्क्रीन पे गेम्स, गैजेट्स के साथ गेम्स? नहीं नहीं अभी साइड पर रख दो, इसके साथ हम गेम नहीं खेलेंगे। फोन दे दो। नहीं हमें बोर्ड गेम्स खेलनी चाहिए। पूरा दिन स्क्रीन को देखोगे तो आंखें ना बटन बन जाएगी। सो आज मैं एक न्यू गेम सिखाऊंगी, इसका नाम है गो फॉर इट। क्या नाम है? गो फॉर इट। यस लेट्स स्टार्ट। गो फॉर इट। गो फॉर इट 2 से 4 बच्चों की खेलने की गेम है। इसमें हम सब ये एनिमल हैं, गोफर, जो सर्दियों के लिए खाना कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे कम लालच के साथ जो भी बच्चे ने खाना लेते हुए 3 गोफर ट्रॉफी जीती वो ये पूरा गेम जीत जाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये गेम का सेटअप कैसे होता है। जो ये गोफर ट्रॉफी के कार्ड्स है उन्हें आप फिलहाल अलग रख दीजिए। बाकी के कार्ड्स फूड कार्ड्स हैं। इनमें है नट्स, कैरेट्स और एप्पल्स, जो 1, 2 या 3 के क्वांटिटीज में हैं। हम सारे फूड कार्ड्स को अच्छे से शफल करके सेंटर में ऐसे रख देंगे। ये एरिया हो जाएगा गार्डन। सारे बच्चों के सामने वाला एरिया जो है फिलहाल तो खाली है, पर गेम के दौरान ये फूड से भरता जाएगा और इसे हम कहते हैं हमारा गोफर होल। अब हम गेम शुरू करने के लिए तैयार हैं। आप अपने टर्न में 1 से 4 कार्ड गार्डन एरिया से खोल सकते हैं। सबसे यंगेस्ट चाइल्ड फर्स्ट प्लेयर होंगे और गार्डन एरिया से 1 कार्ड पलटेंगे। वो चाहे तो फूड कार्ड अपने गोफर होल में रख सकते हैं और अपनी टर्न वहीं खत्म कर सकते हैं, या एक नया कार्ड भी खोल सकते हैं। हर नए कार्ड खोलने पर एक रिस्क है। अगर अभी ओपन हुए फूड टाइप जैसा सेम फूड टाइप इमीडिएटली खुला तो गार्डन के सारे ओपन कार्ड डिस्कार्ड हो जाएंगे और प्लेयर का टर्न खत्म हो जाएगा। इसलिए जितना कम लालच उतना आप जीत सकते हो। 1 apple. Okay, you can choose to stop now. Yeah, I choose to stop. Yeah. Rather than taking the risk. पर ध्यान रहे, ये सेम फूड टाइप का रूल सिर्फ इमीडिएटली ओपन हुए कार्ड्स पर लागू होता है। अगर कोई दो सेम फूड टाइप के बीच में एक दूसरा फूड टाइप खुला है तो प्लेयर का टर्न वैसे ही कंटिन्यू होगा। So first I opened a nut, then an apple, then a nut. So it's okay. That way. अब जब चाहो तब कार्ड्स खोलना रोक कर अपना टर्न वहीं खत्म कर सकते हो। जो भी कार्ड्स आपने खोले हैं और अगर वो डिस्कार्ड नहीं हुए हैं तो वो अपने गोफर होल में आप नट्स, एप्पल्स और कैरेट्स रख सकते हैं इस तरीके। 2 carrots. Okay. Okay, she chose to stop. Your turn. जब किसी के पास exactly 6 nut या 6 carrot या 6 apple आ गए तब उन्हें गोफर ट्रॉफी मिल जाएगी। गोफर ट्रॉफी मिलने पर वो अपने गोफर होल में से सारे फूड टाइप के फूड कार्ड्स डिस्कार्ड कर देंगे और अपनी अगले टर्न में फिर से स्टोरेज करना स्टार्ट कर देंगे। ओके। ओह वाओ, सी यू गॉट अ गोफर ट्रॉफी। सो दिस कार्ड्स गो अवे। नो। बट यू गॉट अ ट्रॉफी, वी डोंट हैव अ ट्रॉफी। यहां 2 याद रखने वाली बातें हैं। पहली कि अगर किसी बच्चे ने अपनी टर्न में 1 से ज्यादा फूड टाइप में 6 food लाए हैं तो भी उन्हें 1 turn में सिर्फ 1 ही गोफर ट्रॉफी मिल सकती है। और दूसरी कि नट्स, कैरेट्स या एप्पल का टोटल नंबर एग्जैक्टली 6 होना चाहिए। 6 से ज्यादा हुआ तो वो फूड टाइप के सारे कार्ड्स आपको अपने गोफर होल से डिस्कार्ड कर देने होंगे। अगर गेम के दौरान गार्डन में कार्ड्स खत्म हो जाएं तो डिस्कार्ड हुए कार्ड्स को शफल कर हम वापस गार्डन में डाल देंगे। ऐसे ही सारे बच्चे फूड आइटम्स विंटर के लिए लेते रहेंगे, गोफर ट्रॉफीज जीतते रहेंगे जब तक कोई भी प्लेयर्स के पास 3 trophies हो। जिसके पास भी सबसे पहले 3 गोफर ट्रॉफीज आ गई वो ये पूरा गेम जीत जाएंगे। Okay. Yes! ये रही आपकी 3री ट्रॉफी। थैंक यू से धन्यवाद। धन्यवाद। और ऐसे खेलते हैं गो फॉर इट। तो आपने अभी देखा कि कैसे हमने इस गेम में बहुत सारे मजे किए, थोड़ी बहुत मैथ्स भी करी और रिस्क टेकिंग के बारे में हमने सीखा। एंड पूरे टाइम
कोई भी स्क्रीन्स नहीं थे जो मैंने बच्चों के हाथ से स्टार्ट में ही ले लिए, एंड तक उनके हाथ में वापस स्क्रीन नहीं आए, विच इज़ अमेजिंग बिकॉज आज के टाइम में वी ऑल नो कि ये बहुत चलता रहता है पूरा टाइम, दे आर ऑलवेज ऑन आर स्क्रीन्स, वी आर ऑल्सो ऑलवेज ऑन आर स्क्रीन्स, तो इसलिए ये जो बोर्ड गेम्स हैं ये हमें बहुत हेल्प करती हैं टू स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन्स। तो अगर आपको ये गेम और ऐसी अलग टाइप की गेम्स देखनी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं यस पापा गेम्स, जिनकी लिंक जो है अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। हम ऐसी गेम्स की जो है फ्रीडम फ्रॉम गैजेट्स इसकी एक पूरी सीरीज कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट किड्स गेम्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चले नेक्स्ट टाइम हम कब ये ऐसा वीडियो अपलोड करते हैं। आप अपने किड्स के साथ बैठ के ये देख सकते हैं, सो यू नो हाउ टू प्ले दिस, एंड व्हेन यू डू प्ले दिस हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी ये गेम्स। और अगर आप यहाँ आके हमारे साथ खेलना चाहते हैं और ये पूरी जो पीछे इतनी सारी गेम्स बनी हैं वो भी देखना चाहते हैं, आप आ सकते हैं टू ट्राई एंड गेम्स कैफे इन विले पार्ले मुंबई, एंड आई विल सी यू देयर। बाय बाय, सी यू सून।